छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने अपने 6 महीने पूरे कर लिए और इन 6 महीनों की बात की जाए तो सरकार ने सभी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण और बड़े बड़े फैसले लिए हैं। नई योजनाओं का आगाज भी किया गया और विशेष तौर पर सरकार ने गांव गरीब किसानों के हित में बड़े फैसले लिए हैं तो उन्हें ढेर सारी सौगातें भी दी हैं। सरकार ने पंचायत स्तर पर अपने कार्यों की गति दी है तो सुराजी योजना के तहत नरवा गरवा घुरवा बारी का शुभारंभ किया तो वही पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं में विशेष प्राथमिकताएं दी है। क्या कुछ खास है देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये छत्तीसगढ़िया सरकार है, ये छत्तीसगढ़िया मन के सरकार है, ये हरेली तिहार वाले सरकार है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा ला आगू बढ़ाने वाला सरकार है, ये छत्तीसगढ़ी मगोठियाने वाला छत्तीसगढ़ी में लिखा पढ़ी पाती लिखने वाला सरकार है, यह भूपेश सरकार है। यह महज 6 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांव गरीब किसानों के हित में कई बड़े फैसले लेकर यह बता दिया है कि सरकार की पहली प्राथमिकता गांव को सशक्त करना, पंचायतों को मजबूत करना है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे सरकार की सबसे बड़ी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी की जिम्मेदारी सरपंचों को दी है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ी चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी में चिट्ठी लिखकर योजनाओं की जानकारी उस पर पंचायत प्रतिनिधियों का यह कहना सुनी। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हमारे नाम से ग्राम पंचायत बहरागुड़ा के नाम से पत्र जारी किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ ग्राम पंचायत की ओर से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा सरपंचों को पत्र लिखा गया है वह बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। छत्तीसगढ़ में जो भी योजनाएं कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो बहुत ही सराहनीय है। गांव-गांव में किसान बहुत खुश हैं। कर्जा माफी और गौठान निर्माण के कार्य के क्षेत्र में जो भी प्रगति हो रही है छत्तीसगढ़ का, उससे बहुत ही भूपेश बघेल सरकार का प्रशंसा हो रहा है। आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। पहली बार है जो मुख्यमंत्री का पत्र सरपंचों को मिला, हम महिला सरपंच बहुत ही खुश है। इस पत्र में कई सारी योजनाओं के बारे में की जानकारी दिए हैं, जैसे नरवा गरवा घुरवा बारी और किसानों को कर्जा माफी दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे ये कहना सही होगा कि पहली बार शायद अब पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों को लग रहा होगा कि भले उनकी दस्तक विधानसभा या मंत्रालय तक नहीं है तो क्या प्रदेश की मुखिया की पहुंच तो उन तक बराबर है। किसी भी सरकार के लिए सबसे जरूरी यही है कि वह अपने कार्यों का आकलन जमीन स्तर पर पंचायत स्तर पर करे, उनके जरिए ही करे जो पंचायतों में सरकार के मुख्य अंग के तौर पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएम की छत्तीसगढ़ी में लिखी गई चिट्ठी से सरपंचों का पंचायत प्रतिनिधियों का हौसला बढ़ेगा। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।